गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर नंबर 4, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की टर्मिनल एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप देख रहे हैं सिंबल भी मल्टीप्लाई का ही है बीच में, तो वो आप ये तो सीधे तरीके से कर सकते हैं। ब्रैकेट से ब्रैकेट को एक्सपेंशन दीजिए, एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, या आप जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी इस एक्सरसाइज के लिए या इस चैप्टर में जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उनका इस्तेमाल करके इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार वो आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस 2ab, फिर ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। एक होता है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। तो इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे और तो ये और आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। ओके, जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसका देखते हैं। आप देखिए, या तो आप सीधा इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ, या तो ऐसा कीजिए। या आप जरा ध्यान से देखें तो ये दो एलिमेंट हैं डिफरेंट, ए की पावर एम ए की पावर एन, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। एक बार इनके बीच में प्लस साइन है और एक बार इनके बीच में माइनस साइन है। तो ये तो ए प्लस बी, अगर इसको ए माने इसको बी माने, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि जब दो ब्रैकेट में एलिमेंट सेम हो, केवल साइन का डिफरेंस हो, एलिमेंट सेम है साइन का डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला ये वाला बनता है और इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए की जगह पे क्या है ए टू द पावर एम और बी की जगह पे क्या है ए टू द पावर एन। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एम का स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर एन का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो टू इंटू एम टू एम माइनस ए इंटू टू इंटू एन टू एन। ये ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक से पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई, फिर इससे तीनों का, और अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर पाएँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करें अगर यहाँ पे, तो इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन a में इस बार जैसे यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट थे एक ब्रैकेट में, यहाँ पे तीन एलिमेंट है, तो आप दो का एक पेयर बनाइए। यानी अगर आप a बनाना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें दो एलिमेंट आए, या b बनाना चाहते हैं हो सकता है उसमें दो एलिमेंट आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको a प्लस बी बना रहा हूँ और a माइनस बी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस जो है वो केवल y के साथ है। तो इसको अगर अलग ले लें और x और 2 को एक साथ ले लें, यहाँ पर भी x है 2, तो ये बनेगा x प्लस 2 प्लस y और x प्लस 2 माइनस y। तो ये पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, दिख रहा है आपको x प्लस 2 एक जैसा, मतलब ये केवल पूरा एक a की तरह बिहेव कर रहा है और y जो है वो b की तरह, फिर ये a और फिर ये b, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या था 2,
सॉरी बी की जगह पे था वाई, वाई का स्क्वायर, समझ गए आप। एक्स प्लस टू पूरा एक एलिमेंट और बचा हुआ जो था प्लस वाई और माइनस वाई, तो बी की जगह पे आ गया वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ये जो ए था वो खुद में भी ए प्लस बी है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू टू सा 4x और माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x एंड माइ प्लस का 4, ये हो गया इसका रिजल्ट। ओके अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है। यहां पर देखिए 2x प्लस 3y, ये जो है यहां पर भी वही है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ये भी ए बी दोनों एक जैसे ही दिख रहा होगा आपको, बीच में साइन भी सेम है, तो ये एक ही एलिमेंट के दो बार मल्टीप्लिकेशन हो गया। जैसे ये ए हो गया तो ये पूरा भी ए हो, मतलब यही ब्रैकेट यहाँ पर भी आ रहा है, तो जब दो एक जैसे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर है वन, इसकी पावर है वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू, यानी यहाँ पर 2x प्लस 3y के टोटल दो ब्रैकेट, दो वैल्यू, दो टर्म समझ लीजिए, दो वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ओके, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 2 2 4 3 12 एक्स इंटू वाई। ओके अब फोर्थ पार्ट देखिए, 3a-5b, 3a-5b, तो ये भी ऐसा ही है, 3a-5b का होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसको एक्सपेंड करें हम लोग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 3 9 हो जाएगा 9a² प्लस 25b² माइनस 2 3 6 5 30ab, ये। ओके अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, यहां पर इसको थोड़ा सा आपने फॉर्मूले का जो उसका फॉर्मेट है वो समझना है। देखिए आपको यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी में इस तरह से ब्रैकेट तो इन जगहों पर आ रहा है, एक तो इस फॉर्मूला में और एक इस फॉर्मूला में, दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक ब्रैकेट है जिसमें दो एलिमेंट है, एक ब्रैकेट है जिसमें दो एलिमेंट है, फिर उसके बाद 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये इनकी शक्ल मैच हो रही है इनसे, इन दोनों की। अब या तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, समझ गया। तो आप देखें यहीं से आंसर आपका पता चल जाएगा, अगर ये ए क्यूब प्लस होगा बी क्यूब, तो पहले वाले में ए और बी ही आना है और बीच में प्लस आना है, तो देखिए ए और बी आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो एक तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, फिर आप सीधा उसको लिख के चेक भी कर सकते हैं कि यही बनेगा उसका फॉर्मूला, यानी आंसर यहीं पे मौजूद है, यानी ये बनेगा 5x³ + 2y³, ये बनेगा 5x³ + 2y³, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट देखिए, 5x+2y है, तो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, फिर क्या होता है फॉर्मूला। अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो अगर आपने इसको ए बी मान लिया तो ये यहाँ पर होना चाहिए कितना, ए स्क्वायर यानी कि 25x² प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y² और माइनस का ए बी, माइनस का ए इंटू बी, 5 × 2 10xy, आप चेक कर सकते हैं वही मैच करेगा। देखिए 25x² आ गया, 10xy माइनस का आ गया, 4y² प्लस का आ गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5x³ + 2y³। ओके तो या तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं या क्या कीजिए, 5 5 = 125, 125x³ + 2 2 4 2 8y³, ये। ओके अब सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका,
यहाँ पर भी वही बन रहा है, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी था, यहाँ पर ए माइनस बी है और बाकी तीनों एलिमेंट प्लस के, तो ये तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा होगा देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिक्स्थ पार्ट में क्या बन रहा है हमारे पास, ये ए और बी, ए की जगह पे कितना आ गया 2x, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये ए था ये बी था और ये माइनस है, तो इसने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगना है, तो यहाँ पे क्या बनता है फिर, ये बनता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4x² प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25y² और प्लस का ए बी, 2 5 10xy, मैच कीजिए, 4x² प्लस 25y² प्लस 10xy, देखिए मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये रहेगा 2x³ माइनस 5y³। तो जाएगा 2 2 4 2 8x³ माइनस का 125y³। ओके, अब सेवन्थ पार्ट देखिए इसका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये वाला देखिए फॉर्मेट जो है ये कुछ इस तरह से मिल रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे चेंजेस है। इस वाले को देखिए, यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है, सेकंड पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये x+a x+b बनेगा, समझ रहे हैं आप, तो ये बन जाएगा हमारे पास a+5/4 और a+4/5, तो ये बन जाएगा x+a x+b। तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास x²a+bx और प्लस ए बी, तो ये बनेगा x², x की जगह पे क्या है a, a² प्लस a+b, ये जो है a+b यानी कि 5/4 प्लस 4/5 और इनटू x, x की जगह पे क्या है a और प्लस ए बी, 4/5 × 5/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस, एलसीएम लेंगे दोनों का तो 20 आ जाएगा, 4 5 5 5 25 प्लस 5 4 4 4 16 a प्लस 4 से 4 5 से 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा a² प्लस 25 प्लस 16 31, 41 41 अपॉन 20 a एंड प्लस का 1। ओके, अब एट्थ पार्ट देखिए इसका, ये आप देखेंगे ये आ जाएगा 2z² प्लस 3 2z² माइनस 5। फिर से देखिए, अगर हम इसको a मान लें, ये पूरा a, तो ये बन रहा है a+b यानी कि यही वाला x+a एंड x+b। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और बस जहाँ पर ये b आ रहा होगा उसको माइनस के साथ रख देंगे, ठीक है। अब इन केस अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि माइनस का साइन इसी फॉर्मूला में कैसे पुट करें, तो आप सिंपल क्या करें, इसको इस तरह से खोल दें, आप फॉर्मूला लगा के ऐसे ही सिंपल कर दें, कैसे, 2z² के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होना है तो इसको मैंने अलग से लिख दिया, फिर प्लस 3 के साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई होना है, ये तो ऐसा कर लें, 2 2 4, जेड की पावर कितना हो जाएगा 4, z² जेड 4 हो जाएगा, माइनस 2 5 10 z² प्लस 3 2 6 z² प्लस 3 5 15 माइनस हो जाएगा 15। अब देखिए सेम फैमिलीज हैं, केवल ये वाली 4z4 माइनस प्लस माइनस होना है, साइन भी माइनस का आएगा, 10 - 6 होता है 4z² और माइनस का 15, ये ओके। और आइडेंटिटी आप लगाना चाहते हैं तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये बनेगा x+a x+b, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइडेंटिटी से हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए होता है x², तो ये हो जाएगा 2z² का स्क्वायर प्लस a+b, तो ये a होगा ये b होगा, तो a प्लस और b हमने कहा था साइन के साथ, यही बात कर रहे थे हम लोगों भी कि साइन के साथ रखें, a+b इंटू x, x क्या है 2z² और प्लस का हो जाएगा ए बी, ए कितना है 3 और b कितना है माइनस का 5। ये तो इसी फॉर्मूला से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन अगर
का ध्यान रखें आप लोग, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है 4 पावर प्लस 3 माइनस 5, तो माइनस 2 इंटू 2 जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 थ्री जर 15। ओके अब ये हो जाएगा 4z4 माइनस 2 टू जो 4z स्क्वायर और -15, देख रहे हैं आपको ये, ठीक है। 8 पार्ट हो गया, अब 9 पार्ट देखते हैं। इसमें है 99 मल्टीप्लाई बाय और मल्टीप्लाई बाय 99। तो देखिए ये तीनों जो है एक ही वैल्यूज है, यानी बेस सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 99 का क्यूब, और 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाता है कितना, ए क्यूब। तो चलिए पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ए क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 2, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है तो इसके तीन पेयर बना लीजिए 1 2 3 4 5 6। माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, और 100 माइनस 1 हो जाता है 99। ओके तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा 00 39 27 कैरी 2 39 27 प्लस 2 29। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये हो जाएगा 29701, ये माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, या तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ इसको प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 29701 ऐसा हो जाएगा। तो अब 1 2 3 4 5 6 इससे जो भी, अच्छा पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, 29701 अब ये माइनस हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 7 9 और 2 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 9 एज इट इज आ जाएगा, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 9 एज इट इज, तो 970299 ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ओके अब 10 पार्ट देखिए, वो भी कुछ ऐसा ही है, 103 है, तो 103 का होल क्यूब कह सकते हैं इसको हम लोग, और इसको भी हम कह सकते हैं 100 प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बना, तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी, ये ओके ए क्यूब 1 2 3 4 5 6 प्लस बी क्यूब 3 3 9 3 27 3 3 9 × 100 900 और 103, ये हो गया। अब ये सब प्लस ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 00 आ जाएगा ये वाला, 9 3 27 2, फिर ये 0 था तो 27 हो गया, 9 1 9, और इसके साथ 27 को और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1, या तो इसी के साथ ऐड कर ले 1 2 3 1 2 3 4 और 5 6, 27 ऐड हो जाएगा, और प्लस में 9 2 7 00 00 7 2 और ये 9 ऐड करेंगे, 7 2 7 2 9 0 1 ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके अब करते हैं इसका 11th पार्ट। अब देखिए यहाँ पर इसको एक एलिमेंट मान लेते हैं और इसको एक एलिमेंट, तो ये x माइनस ए हो गया और ये x माइनस बी हो गया, यानी ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन के साथ रखें, फॉर्मूला ये आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, फॉर्मूला ये रहेगा, बस साइन के साथ रख दीजिए, एक्स की जगह पर यहाँ पर है ए प्लस बी और वाई है हमारे पास, सॉरी ए प्लस बी हो गया एक्स, और ए हमारे पास हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, ए हो जाएगा हमारे पास -5 और बी हो जाएगा हमारे पास -6। तो यहाँ पर रखिए एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स कितना है ए प्लस बी, ओके और प्लस का ए बी, ए कितना है -5 × -6। ओके अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा
प्लस, तो माइनस का ये साइन बाहर आ जाएगा, तो 11 इंटू ए प्लस बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो बाहर के प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 हो जाएगा। और सॉल्व कीजिए इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 11a माइनस 11b एंड प्लस 30। सेम फैमिलीज यहाँ पर कोई नहीं है तो इसी को हम छोड़ देते हैं यहीं पर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पर भी यही फॉर्मूला काम कर रहा है, देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, यहाँ पे तो कुछ साइन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आ गया 2x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, 7z प्लस 5z, ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह पे था 2x, और प्लस ए बी यानी कि 7z इंटू 5z। ओके, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4x² प्लस 7 प्लस 5 12z इंटू 2x प्लस 7 5 जेड 35z², तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 12 2s are 24xz या जेड एक्स बोल लीजिए, और प्लस 35z², ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।